नमस्कार सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार के द्वारा जो ज्ञानदूत 2 प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आज हम अर्थशास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है वो होता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आय व रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैसा कि इस सिद्धांत का नाम ही है परंपरावादी, परंपरावादी अर्थशास्त्री वे अर्थशास्त्री जिनका संबंध एडम स्मिथ, रिकार्डो, मील, मार्शल, पिगू जैसे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों से है उनको हम परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के नाम से जानते हैं। और इनके साथ जो आधुनिक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनको अगर हम शामिल करें तो उनमें मुख्य रूप से रॉबर्ट लुकास, थॉमस सार्जेंट, बैरो जैसे शामिल। एडम स्मिथ की जो हम सभी जानते हैं कृति वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1776 में पब्लिश हुई थी, उसी पुस्तक के आधार पर, उसी को आधार मानते हुए इन सभी अर्थशास्त्रियों ने आय व रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का जो अर्थ है वो हम सबसे पहले समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में कीमतें, मजदूरी तथा ब्याज दर पूर्ण रूप से परिवर्तनशील है तो अर्थव्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। ये कहते हैं कि यदि कोई भी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में यदि कीमतें यानी कि वस्तुओं की कीमतें पूर्णतः परिवर्तनशील है यानी कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उनमें फ्लक्चुएशन आता है, घट सकती है, बढ़ सकती है। इसी प्रकार मजदूरी दर है वो भी पूर्णतः परिवर्तनशील है यानी वेज रिजिडिटी नहीं पाई जाती है, मजदूरी दर में परिवर्तन होता है लेबर डिमांड लेबर सप्लाई के अनुसार, तथा ब्याज दर जो कि इस सिद्धांत में है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट से निर्धारित होती है और वो भी अगर परिवर्तनशील है तो अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या पाया जाएगा, पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, किसी भी प्रकार की जो है बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। इस सिद्धांत की मान्यताओं पर हम बात करते हैं तो सबसे पहली मान्यता है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। ये मानते हैं कि इस अर्थव्यवस्था जो है वो सदा पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। यदि बेरोजगारी पाई जाती है तो वो केवल वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होगी और दीर्घ काल में मार्केट मैकेनिज्म बाजार प्रणाली है वो अपने आप काम करेगी और जिसके द्वारा जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सकता है। दूसरी इनकी मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, बाजार एकदम किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता है। और उसके बाद में तीसरी मान्यता है बंद अर्थव्यवस्था, ये मान के चलते हैं कि जिस ये इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं या जिस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये केवल और केवल क्लोज्ड इकोनॉमी मान रहे हैं यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारा किसी प्रकार का ट्रेड या ट्रांजेक्शन है वो नहीं हो रहे यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहे हैं, केवल और केवल बंद इकोनॉमी की हम बात करते हैं। अगली इसकी मान्यता है सरकार का हस्तक्षेप न करने की नीति, लेजेस फेयर पॉलिसी। लेजेस फेयर पॉलिसी का अर्थ ये होता है कि सरकार केवल कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है, सरकार उत्पादन की क्रियाओं में किसी प्रकार का भाग नहीं लेती, सरकार का किसी प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस है मार्केट के ऊपर वो नहीं है, सरकार केवल कानून और न्याय व्यवस्था बनाने का काम करती है। इसके बाद में है इसका सबसे महत्वपूर्ण इस थ्योरी का आधार है वो है से का बाजार नियम लागू होना। इनकी मान्यता है कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे से, जेबी से, जेबी से ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, उस नियम को ये लागू होना मानते हैं। अगली इनकी मान्यता है कि मुद्रा की मात्रा स्थिर है यानी कि मनी सप्लाई है वो कॉन्स्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और उसके अलावा इनकी जो मान्यता है मुद्रा केवल विनिमय का साधन है, इन मान्यताओं के आधार पर इनका सिद्धांत है वो लागू होता है, इनका सिद्धांत है वो अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं कि इनके सिद्धांत का आधार क्या है।
क्लासिकल जो मॉडल है उनके सिद्धांत का मुख्य दो आधार है। इस सिद्धांत के आधार मुख्य रूप से परंपरावादी सिद्धांत की दो प्रमुख मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को हमने लिया था। पहली मान्यता, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं पैदा करती है। जेबी से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे परंपरावादी, उन्होंने अपने से का जो नियम है उसमें उन्होंने अपने ये बताया कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं पैदा करती है। जेबी से ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार की इकोनॉमी हो, चाहे वो बार्टर सिस्टम हो या जो मॉडर्न जो अपन बात करते हैं जिसके अंदर मनी पाई जाती है, वो इकोनॉमी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें कभी भी अनबिका माल नहीं रहेगा। आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करो, उसका प्रोडक्शन करोगे तो वो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट करता है। ये ऐसे कहते हैं कि जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उनको हम पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट रिसीवर मार्केट में जाकर वेरियस जो कमोडिटी है उनकी डिमांड करते हैं, और जिसके आधार पर मार्केट में जो कुछ भी पैदा किया गया है वो सेल आउट हो जाएगा और किसी प्रकार का अधिशेष नहीं रहेगा। यानी कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं पैदा करती है। आप बस प्रोडक्शन करो, डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, ऐसा जेबी से ने कहा है। और इसी नियम को लेकर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा इनका सिद्धांत का आधार है, वो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, MV=PT। ये कैम जो हम पढ़ते हैं परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के मनी डिमांड थ्योरी, जिसमें ये फिशर का इक्वेशन है जो MV=PT। MV जो है मनी सप्लाई साइड को दर्शाता है और PT मनी डिमांड साइड को दर्शाता है। ये कहते हैं कि इकोनॉमी में हमेशा क्या होगा, मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई होगा। एम फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी, पी प्राइस और टी रेफर्स टू ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इनको ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मनी डिमांड और मनी सप्लाई। तो ये दो प्रमुख मान्यता है, इनको लेकर इन्होंने अपना सिद्धांत है जो दिया है और इसी के आधार पर ये अपने सिद्धांत की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इनके सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार परंपरावादी सिद्धांत में उत्पादन और रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। तो ये क्या कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार कुल उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर सकल उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन, श्रम की मांग लेबर डिमांड और पूर्ति अनुसूचियों के द्वारा निश्चित होते हैं। लेबर सप्लाई, लेबर डिमांड और प्रोडक्शन फंक्शन है उसके द्वारा निर्धारित होती है। इसमें ये लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, क्यू इज फंक्शन ऑफ एन के टी। अब इसमें के और टी है वो कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसलिए ये कहते हैं क्यू इज पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एन, यानी क्यू फॉर प्रोडक्शन या लेवल ऑफ आउटपुट, के फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल विच इज कांस्टेंट, टी इज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज कांस्टेंट। इसका मतलब है एन इन्होंने माना है जो है वो लेबर है, तो इन्होंने कहा है कि क्यू है वो किसका फंक्शन है, एन का है, यानी लेबर जो है सप्लाई है या जो लेबर इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर ही उत्पादन का स्तर निर्भर करेगा, यानी रोजगार का स्तर है उसके ऊपर है जो उत्पादन का स्तर निर्भर करेगा। अब जो रोजगार का स्तर है वो निर्धारित करता है लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई के ऊपर। तो लेबर डिमांड की बात करते हैं, ये कहते हैं लेबर डिमांड फंक्शन, डील फंक्शन ऑफ W/P, यानी कि रियल वेज, और इसका कैसा है, नेगेटिव फंक्शन है रियल वेज, जिसको वेज W फॉर वेज और P फॉर प्राइस, वास्तविक मजदूरी। ये कहते हैं कि श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है और वास्तविक मजदूरी से ऋणात्मक रूप से संबंधित है, यानी कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी जो लेबर डिमांड है वो कम होगी, और जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी घटेगी लेबर डिमांड बढ़ेगी। मार्केट के अंदर वास्तविक मजदूरी घटेगी तो जो उत्पादक करता है उनको ये एहसास होगा कि इस स्थिति में उनको अधिक लाभ होने की संभावना है, इसलिए वो ज्यादा मजदूरों को रखेंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, और जब वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो कम मजदूरों की डिमांड करेंगे। अर्थात जो श्रम मांग है वो वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक रूप से फलन है। दूसरा इनके सिद्धांत में जो इन्होंने माना है वो ये माना है कि जो लेबर सप्लाई है वो लेबर सप्लाई फंक्शन इज पॉजिटिवली फंक्शन ऑफ रियल वेज, यानी कि सप्लाई है वो वास्तविक मजदूरी का धनात्मक संबंध रखती है, क्योंकि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी जो श्रम की पूर्ति करता है वो ज्यादा से ज्यादा श्रम की
सॉरी श्रम की पूर्ति करने लगेंगे, क्योंकि उनकी मजदूरी बढ़ने पर उनको एहसास होगा कि उनकी वास्तविक है जो आय बढ़ रही है। इसके यहाँ पर इन्होंने इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो इक्विलिब्रियम है वो निर्धारित होता है। ये लेबर डिमांड कर्व है और ये एक लेबर सप्लाई कर्व है। ये दोनों इस ई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसके आधार पर इधर रियल वेज लिया गया है, वास्तविक मजदूरी डब्ल्यू अपॉन पी निर्धारित होती है, और इस डब्ल्यू अपॉन पी के आधार पर एन स्टार है वो रोजगार का स्तर निर्धारण होता है। इस ऊपर वाले डायग्राम से लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई से हम रोजगार के स्तर का निर्धारण करते हैं। ये पूर्ण रोजगार के स्तर को दर्शाता है। यदि इससे कहीं हम ऊपर रहते हैं तो यहाँ पर लेबर सप्लाई ज्यादा होगी और लेबर डिमांड कम होगी, यानी वास्तविक मजदूरी यदि इस रेट से ज्यादा हो जाती है तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति होगी, क्योंकि लेबर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, लेबर डिमांड कम हो जाएगी। इस स्थिति में जो बेरोजगार श्रमिक है वो अपनी कम मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि परंपरावादी सिद्धांत में जो मजदूरी दर है वो पूर्णतः परिवर्तनशील है। तो इस स्थिति में जब मजदूरी दर घटेगी तो श्रमिकों की मांग ज्यादा की जाने लगेगी और पूर्ति कम की जाने लगेगी, वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और यदि इससे नीचे की तरफ है तो वहां पर ओवर डिमांड होगी, ओवर डिमांड की स्थिति में मजदूरी दर बढ़ने की तरफ झुकाव होगा, जिसकी वजह से मजदूरी दर बढ़ेगी, लेबर सप्लाई उससे बढ़ जाएगी और लेबर डिमांड घट जाएगी और वापस हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये ई पॉइंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट कर रहा है। यदि ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का स्तर है, इस एम्प्लॉयमेंट स्तर को हम यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, तो इस एम्प्लॉयमेंट स्तर पे यदि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एफ इज फंक्शन ऑफ के प्राइम एन, यानी कि कैपिटल स्टॉक कांस्टेंट है, और एन यानी कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, तो इसके आधार पर वाई स्टार है वो हमारा रोजगार के अनुरूप आय का स्तर है वो, या उत्पादन का स्तर है वो निर्धारित होगा। तो ये जो एक सिंपल क्लासिकल मॉडल है जिसमें किस प्रकार रोजगार का और उत्पादन का स्तर निर्धारण होता है, इस ऊपर वाले डायग्राम में रोजगार का स्तर निर्धारण होता है, और इसी के अनुरूप इस रोजगार स्तर के अनुरूप ये जो है वो उत्पादन का स्तर का है जो निर्धारण होता है। इसके बाद में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत के अंदर जो है बचत और निवेश को भी शामिल किया। तो हम देखते हैं बचत तथा बचत व निवेश के साथ परंपरावादी सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत में बचत तथा निवेश दोनों को ब्याज दर का फलन माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बचत ब्याज दर से धनात्मक रूप से संबंधित है, जबकि निवेश ब्याज दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित है। इन्होंने माना है कि सेविंग इज पॉजिटिवली फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दर बढ़ेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करेंगे, और ब्याज दर घटेगी तो सेविंग कम करेंगे। और इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिवली फंक्शन है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने पर निवेश बढ़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में जो कैपिटल है वो सस्ता मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पर है जो इन्वेस्टमेंट कम किया जाएगा। ये इनके परंपरावादी सिद्धांत की मान्यता है। और अब हम कंप्लीट क्लासिकल मॉडल को एक डायग्राम की सहायता से देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो ए पार्ट है इसमें इंटरेस्ट रेट दी गई है इस साइड, और नीचे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया गया है। जैसे जैसे ये पॉजिटिवली स्लोप जो जा रहा है ये सेविंग कर्व है, और नेगेटिवली स्लोप है ये इन्वेस्टमेंट कर्व है। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ई पॉइंट पे एक दूसरे काटते हैं, और इसके अनुसार आर जो है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तय होती है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो इक्विलिब्रियम में। ये डायग्राम नीचे का एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइज होता है ये हमने पिछले सेक्शन में देखा, ये लेबर सप्लाई करो, ये लेबर डिमांड करो, जहाँ दोनों एक दूसरे काटते हैं ई पॉइंट पे, उसके अनुसार पूर्ण रोजगार का स्तर निर्धारण होता है। इस पूर्ण रोजगार के स्तर के आधार पर ये जो है आपके उत्पादन का स्तर निर्धारण होता है प्रोडक्शन फंक्शन की सहायता से। यदि ये उत्पादन का स्तर दिया हुआ है इसके अनुरूप इसके बराबर इस साइड आते हैं, और इसमें हमने मनी सप्लाई एम वी करो लिया है, ये मनी सप्लाई दी हुई है, ये आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट में मनी सप्लाई में आउटपुट का हम एक तरीके से भाग दें तो हमारे इसके सहायता से ये कीमत निर्धारित हो जाएगी, और इस कीमत के आधार पर इकोनॉमी के अंदर जो है डब्ल्यू अपॉन पी यानी कि वास्तविक मजदूरी निर्धारित हो सकती है। ये एक कंप्लीट क्लासिकल मॉडल है जो ये बताता है कि किस प्रकार एक इकोनॉमी के अंदर आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है, और उस आय और रोजगार के स्तर के आधार पर किस प्रकार कीमतें और वास्तविक मजदूरी निर्धारित होती है, और हमेशा अर्थव्यवस्था में
पूर्ण रोजगार किस प्रकार पाया जाता है। यदि किसी भी प्रकार का विचलन होता है तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिकली मजदूरी कीमतें और ब्याज की दर परिवर्तनशील है, तो वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम लेके आ जाएगी, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं पाई जाएगी। तो ये विद्यार्थियों एक सिंपल हमने बेसिक बात की है परंपरावादी मॉडल को कि किस प्रकार इसका वर्किंग प्रोसेस है और किस प्रकार ये कार्य करता है। विद्यार्थियों इसका एक बार अपनी टेक्स्ट बुक्स से अध्ययन करें तो निश्चित रूप से ये एक सिंपल मॉडल है और इसको आप एक बार अध्ययन करने से समझ सकते हैं। लेकिन ये हमारा मॉडल केवल और केवल इस परंपरावादी का ही सिद्धांत का एक आधार नहीं है, भविष्य में जो भी हम किन्स की थ्योरी या दूसरी जो थ्योरी पढ़ेंगे उन सभी का एक आधार प्रदान करता है। लेकिन इसकी जो मान्यताएं हैं वो कुछ अवास्तविक मान्यताएं हैं। हम इसकी आलोचनात्मक रूप से अगर हम देखें तो पूर्ण रोजगार का पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि कई 1930 की जो महामंदी थी जिसमें किन्स ने अपनी थ्योरी दी थी, उसमें हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं पाया गया, बेरोजगारी आ गई थी और क्लासिकल मॉडल ने काम करना बंद कर दिया था। तो किन्स ने इसी आधार पर इसकी आलोचना करते हुए कहा कि कभी भी पूर्ण रोजगार का इकोनॉमी में पाया जाना हमेशा संभव नहीं है, बेरोजगारी पाई जा सकती है और बेरोजगारी यदि पाई जाती है तो उसको किस प्रकार दूर करें, वो किन्स ने अपनी थ्योरी में गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा बताया। लेकिन क्लासिकल कहते हैं सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इनकी कुछ मान्यताएं हैं वो अपने आप इनकी आलोचनाएं बन जाती है, अवास्तविक मान्यताएं लिए, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत है वो हमारी थ्योरी का बहुत बड़ा आधार है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।